सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था। इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भुनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पिटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है लेकिन यह कड़वी है, लेकिन वो आसानी से नहीं खाएंगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज एक महीने तक यह दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक एक महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएंगी, लेकिन हाँ यह दवा थोड़ा कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही न चले। कि दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है, बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से माँ जी को दे देती। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे कुछ समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू को खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार भरी बातें भी किया करती थी। इस प्रकार महीना आते जाते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना ही नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोटी पिटती अपने पिता के पास पहुंची। अब पिताजी बोले, अब क्या हुआ। सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज नहीं खोना चाहती हूँ, वह मुझे प्यार से बात करती है, अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद कर दो और खुशी से रहो, जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेंगी। अब सुनंदा को सारी बात समझ में आ गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया।